गाइस क्या हाल है यार, आज थोड़ा सा जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। आज यार 12 बजे को ही वीडियो आ गया आप लोगों के पास, क्योंकि यार आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि पोकेमॉन ओपालो का यार सेकेंड एपिसोड लेकर के आऊँगा, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज, आज मैं विंडन स्टेडियम में फिर से यार बैटल करने वाला हूँ चैंपियन कप के लिए। एंड आज शायद से गाइज सिंथिया या फिर गाइज अगर आज एस केचम के साथ बैटल मिल जाए तो क्या होगा यार, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अभी आप लोग को लग रहा है कि बोल भाई कहाँ जा रहे हैं, मैं एक्चुअली जा रहा हूँ गाइज, मैं जा रहा हूँ गाइज फिलहाल वाइल्ड एरिया में, क्योंकि गाइज मुझे वाइल्ड एरिया में देखना है अपडेट के बाद कैसे कैसे पोकेमॉन आए हुए हैं, ठीक है। तो इधर से थोड़ा बहुत देखेंगे, ओके इधर से देखेंगे, लेट्स गो गाइज, अब मजा आने वाला है। देन देखते हैं गाइज कैसे कैसे पोकेमॉन मुझे देखने को मिलता है। ओके ओके गाइज, आई एम इन द वाइल्ड एरिया, आप देखते हैं गाइज अगर मुझे आज पालकिया भी देखने को मिल जाता है तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा यार, देखते हैं। वाओ गाइज आर्टिकुनो यार देख रहे हो, अपडेट के बाद क्या मस्त वाले पोकेमॉन मेरे को दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट गैलेरियन आर्टिकुनो मेरे को दिखाई दिया, यहाँ पे देखते हैं। चलो गाइज यहाँ पे भी गैलेरियन आर्टिकुनो, व्हाट इज दैट, दैट इज हेराक्रॉस ब्रो, हेराक्रॉस देख रहा हूँ मैं। और देखते हैं गाइज व्हाट इज दिस, अच्छा ये फ्लेलिंग्स, फिर से गाइज आर्टिकुनो ही है इधर। ओके थोड़ा सा ऐसे जाते हैं, ठीक है आगे की तरफ देखते हैं गाइज, आगे की तरफ नहीं वोल्काडोना दिखाई दे रहा है मेरे को, बहुत सारे लेकिन यहाँ पे गैलेरियन आर्टिकुनो है यार, बहुत सारे गैलेरियन आर्टिकुनो मेरे को दिखाई दे रहे हैं। किंगलर है यहाँ पे थोड़ा सा, ओए होए होए देख रहे हो यहाँ पे भी डियाल्गा है गाइज, यहाँ पे भी डियाल्गा मेरे को दिखाई दे, अब भी जस्ट अगर गाइज यहाँ पे डियाल्गा दिखाई दे रहा है दैट मीन्स गाइज यहाँ पे मुझे पालकिया भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ मिल सकता है देखने को, यहाँ पे देखते हैं। नहीं 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 ओके चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं। सेप्टाइल दिखाई दे रहा है यार, ओके यहाँ पे देखते हैं। ओ मैग्नेजोन, ओ वाओ जारूट, ये देख रहे हो डियाल्गा, अगर डियाल्गा है यहाँ पे डियाल्गा ही है सिर्फ, मुझे यार पानी को क्रॉस करके थोड़ा सा उठे जाना पड़ेगा गाइस, और पानी को मैं क्रॉस ही नहीं कर सकता हूँ यार। एक मिनट चलो निकल लेते हैं यार, इधर से निकल लेते हैं, रास्ते में मिलता है तब ठीक है, अगर नहीं मिलता है तब यार चैंपियन कप के लिए निकल लूंगा, ठीक है लेट्स गो। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, अच्छा टोगेकिस, ओके ओके नो गाइस नहीं, पालकिया तो दिखाई नहीं दे रहा यार, बहुत नसीब वाले को मिलता है गाइस पालकिया, ठीक है। ओ मैन गाइस अनदर अल्ट्राबीस पोकेमॉन गाइस, ये भी बहुत बढ़िया अल्ट्राबीस है, मैं इसको व्हाट ए अरे यार गलवांटुला ब्रो, बट मैं यार उस अल्ट्राबीस पोकेमॉन के पास आया था यार, पता नहीं मैं उस अल्ट्राबीस पोकेमॉन को क्यों पकड़ नहीं पाया यार, ये क्या हो गया गाइस। ऑल राइट चलो गाइस रन करते हैं, मुझे इसके साथ नहीं लड़ना है गलवांटुला के साथ, मुझे ये वाला चाहिए ब्रो, आई नीड दिस गाय ब्रो, मैं इसको टक्कर भी मार चुका हूँ, अब मिलेगा शायद से, अब मिलेगा यस गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो ये है गाइस सटका कट्टा कट्टा काका, क्या नाम है ब्रो इसका यार। एंड गाइस अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं करा है, बोल्ट आर्मी ने तो ऑलरेडी कर दिया, अगर न्यू हो गाइस प्लीज यार लाइक कर देना और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस मैं ऐसे ही आप लोग के लिए मजेदार कॉन्टेंट्स लेकर के आता रहता हूँ। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि यार, एंड देखते हैं गाइस, डन एकदम डन गाइस, सट कट 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 इसको मैंने पकड़ लिया यार। ब्रो इसका नाम किसने रखा रख दिया यार, सका का टका, वैसे गाइस इसका टाइप क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है अब इसका टाइप के बारे में मालूम करना पड़ेगा मुझे। ओके ये है क्या गाइस एक्चुअली में, रॉक स्टील, अच्छा ठीक है, द पोकेमॉन बूस्ट्स इट्स मोस्ट प्रोफिशिएंट स्टैट ईच टाइम इट नॉक्स आउट अ पोकेमॉन, ओके अच्छा पोकेमॉन है गाइस, बट अभी इसको मैं अपने टीम में नहीं रखने वाला हूँ, बट मैंने पकड़ लिया क्योंकि मेरे पास ये अल्ट्राबीस पोकेमॉन नहीं था। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी फिर से गाइस साका काका काका का, ये वाला है पोकेमॉन। ऑल राइट गाइज यहाँ पे ये कौन आ गया सामने, ओ हेलो मोरलल मोरेलल, बाप रे गाइस पोकेमॉनों का आजकल का नाम कितना यार मुश्किल भरा हो गया ना, पहले के टाइम के पोकेमॉन का नाम बहुत ही आसान था यार, चार्मेंडर चारिज़र्ड आइवीसोर बल्बासोर यार, एक एक पोकेमॉन का नाम याद था यार तब, अब यार इतने अलग अलग नाम यार, ये लुल्लाल साका का टाका भाई साहब ऐसे ऐसे नाम्स देने लग गए यार। और देखते हैं यहाँ पे
गुड्रा नहीं 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 व्हाट इज दैट व्हाट इज दैट ओह मुझे चाहिए ब्रो ओए ये तो रेजीले की है ना ब्रो ये रेजीले की है गाइस ये इलेक्ट्रिक टाइप है गाइस ठीक है ये इलेक्ट्रिक टाइप एक रेजी फैमिली का ही मेंबर है गाइस रेजी लेकी गाइस इसको मैं अपना टीम में रख सकता हूँ ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन यार इलेक्ट्रिक वाला है ब्रो थंड्रस के जगह मैं रेजी लेकी को रख सकता हूँ हाँ गाइस ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन होगा आई थिंक गाइस थंड्रस से ज़्यादा पावरफुल है गाइस अरे ये नहीं बोल रहा हूँ कि थंड्रस इज वीक बट रेजी लेकी स्ट्रॉन्ग यार रेजी लेकी स्ट्रॉन्ग एंड यार आप लोगों को यार रेजी फैमिली के बारे में तो ऑब्वियसली पता ही है कि रेजी फैमिली इज आर वेरी स्ट्रॉन्ग यार ये देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है यार नहीं इसके लिए नाम नहीं रखेंगे एट टू ए पार्टी करेंगे ठीक है बट एक और मिनट देख लेते हैं इसका ना थंडर्स आई थिंक फ्लाइंग ये था ना हाँ गाइस आई थिंक थंडर्स ना ओ ये बजोल है बजोल को पकड़ लेते हैं ब्रो आई लव दिस पोकेमॉन यार बजोल ये अल्ट्राबीस पोकेमॉन काफ़ी खतरनाक है यार काफ़ी खतरनाक है ये अल्ट्राबीस ओके बजोल मैं बजोल को भी शायद से अपने टीम में रख लूँगा ठीक है देखते हैं देख लेते हैं अभी चैम्पियन कप में मैं बजोल को नहीं लेके जाऊँगा चैम्पियन कप के लिए मैं एक काम करूँगा टीन में अपने चैम्पियन टीम के कुछ पोकेमॉन को लेकर के जाने वाला हूँ एंड गाइस टीन थोड़े से 70s वाले पोकेमॉन को लेकर के जाएंगे ठीक है क्योंकि एस केचम सिंथिया यही लोग यार 100 लेवल के पोकेमॉन को यूज़ करेंगे फिर गाइस मैं 100 लेवल के पोकेमॉन को यूज़ करूँगा तो बड़ोबड़ी में बैटल होगा एंड मुझे बड़ोबड़ी का बैटल ही करना है ब्रो ओए ओए इसको देखो गाइस ऑलराइट होली शिट गाइस दिस इज मोल्ट्रेस यार एंड वो भी गैलोरियन वेयर अरे भाई साहब वो कहाँ पे चला गया यार भाई साहब वो दिखाई दिया था यार गायब हो चुका है यार वो गैलेरियन मोल्ट्रेस भाई वाइल्ड एरिया में तो यार काफ़ी कमाल कमाल के पोकेमॉन्स निकलने शुरू हो गए यार वॉल करो ना ये पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग है यार व्हाट इज दैट गार्चोम ओके गार्चोम तो बहुत सारा आई थिंक गाइस मुझे मिल गया मोल्ट्रेस चलो इस बार अरे यार ये मोल्ट्रेस यार बार बार गायब ही हो जाता है यार यहाँ पे देखते हैं मोल्ट्रेस वेयर आर यू वहाँ पे ग्लेस्टियर मेरे को दिखाई दिया अभी जस्ट फिर से निकलेगा शायद से यहाँ पे मोल्ट्रेस देखते हैं नहीं आर्टिकोनो बस आगे जा करके देखते हैं नहीं फिर से आर्टिकोनो ही गाइस फिर से आर्टिकोनो लेट्स गो नीचे नीचे वाला रास्ता ओके यही था ज़्यादा यहाँ पे वर्क और जाया नहीं करेंगे ठीक है मुझे चैम्पियन कप जाना है एंड यहाँ पे देखते हैं लेजेंडरी पोकेमॉन मेरे को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है वो ऊपर की तरफ ये क्या है अच्छा कोमो ओह वाओ गॉट इट भाग का है रहा है भाग गया ना ब्रो वो देख रहे हो मेरे को देखते ही वो भाग गया यार वो जैबडोस था यार और वो भी गाइस गैलेरियन मैं गैलेरियन जैबडोस को रख सकता हूँ रेजी लकी की जगह यार गैलेरियन जैबडोस यार नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है मैन ये आ गया इस बार तो आ गया ना ब्रो ये देख रहे हो गैलेरियन जैबडोस यार ओ नाइस आज तो मैं काफ़ी सारे पोकेमॉन को पकड़ लिया हूँ यार एंड हाँ गाइस डेफिनेटली रेजी लेकी के जगह मैं इसको रखूँगा मैं वैसे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक स्पॉट के लिए कौन सा वाला पोकेमॉन बेस्ट रहेगा ये गैलेरियन मोल्ट्रेस बेस्ट रहेगा या फिर गाइस अपना रेजी लेकी बेस्ट रहेगा यार आज यार रेजी लेकी को ही रख लूँ क्या क्या कहते हो गाइस आज रेजी लेकी को ही रख लेते हैं ठीक है आप लोग कमेंट करने के बाद मैं यार जैबडोस ये वेट ए मिनट गाइस ये क्या इलेक्ट्रिक नहीं है क्या व्हाट यहाँ पे जैबडोस फाइटिंग फ्लाइंग है दिस इज ये क्या हो गया ब्रो यहाँ पे फाइटिंग फ्लाइंग है जैबडोस का पूरा यार किस्सा ही यार चेंज कर दिया यार कौन सा ये जैबडोस था यार अपना ठीक है एंड अभी आप लोग बोलोगे कि बोल भाई यहाँ पे टापू है ये टापू जो है पर मुझे इस टापू को नहीं पकड़ना है अभी के लिए ये यार इतना बड़ा पोकेमॉन अगर सामने आ जाता है तो डर ही जाते हैं यार व्हाट इज दिस वीका वोल्ट यहाँ पे देखते हैं नहीं नहीं पलकिया मेरे नसीब में है नहीं मैन यहाँ पे बर्फीला जगह है देखते हैं गाइस बर्फीला जगह में कैसे लेजेंडरी पोकेमॉन मेरे को देखने को मिल सकते हैं नो लेजेंडरीज ओवर हियर गाइस चलो गाइस बहुत वाइल्ड एरिया में मैंने यार वर्क जाया कर दिया है अब गाइस यहाँ से निकलते हैं ठीक है यहाँ से निकल करके डायरेक्ट चैंपियन कप में बैटल करने वाले हैं लेट्स गो गाइस मजा आने वाला है चलो
टाउन मैप. ऑल राइट गाइज, विंडन स्टेडियम डायरेक्ट आ गए गाइज, विंडन स्टेडियम. बट और एक चीज कर लेना पड़ेगा, और वो चीज़ है कि गाइज मुझे रेजी लगेगा और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. ठीक है, एटलीस्ट 70s में लेकर के आना पड़ेगा. इसका पावर मेरे पास है कि नहीं वैसे, एक्सपिलर्ट्स कैंडी है. चलो दे देता हूँ. ओके एंड गाइज, रोड ऑफ टाइम नहीं था ना मेरे पालकिया के पास. अब गाइज मेरे पालकिया को रोड ऑफ टाइम आ चुका है. ठीक है, 86 का हो गया. एंड इसको अबे आराम से जैप कैनन हाँ रख सकते हैं. मैन जैप कैनन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग यार. अब ये आराम से रोर ऑफ टाइम मार पाएगा. एंड गाइस अपना पालकिया अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. हाइपर बीम सीखना चाहता है रेजिले की. हाँ सिखा सकते हैं मैन लॉक ऑन की जगह. ओके, कितना खतरनाक वाले मूव सीख रहा है यार अपना रेजिले की. और भी कुछ सीखना चाहता है क्या? नहीं. अब गाइस यार अंदर घुसने से पहले अंदर तो पोकेमॉन को चेंज नहीं कर पाएंगे. चलो आर दबाते हैं. एंड देन गाइस मुझे अपने एक चैम्पियन पोकेमॉन को टीम में वापस लेके आना पड़ेगा. आई थिंक मैं उर्शिफो को लेके आना चाहूँगा. ठीक है, गजलॉट के जगह उर्शिफो इज बेस्ट भाई. उर्शिफो जाइगेंटामैक्स कर पाएगा एंड उर्शिफो उड़ा के रख देगा मैन. सो यस, उर्शिफो इज बेटर ऑप्शन मैन. अब मज़ा आने वाला है ब्रो. ऑल राइट लेट्स गो गाइज, मज़ा आने वाला है. ठीक है, देखते हैं गाइज कौन से वाले चैम्पियन आएंगे या कौन से वाला चैम्पियन आएगी, देखते हैं. यस, चैम्पियन करके, वेलकम चैम्पियन करके ही अभी तक बुला रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरा यार मेरे से चैम्पियन टाइटल कोई भी छीन नहीं पा रहा है. ठीक है, देयर इज समवन. किसको इनवाइट करें गाइस? हॉप को इनवाइट करूं क्या? यस गाइस, मैंने हॉप को इनवाइट करा, उसने इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया यार. अब देखते हैं गाइस इस बार चैम्पियन नेसा डेनेप. ओह, एस केचम इज हियर गाइस, फाइनली एस केचम इज हियर यार. वाओ, अब मजा आने वाला है ब्रो. बट यार एस केचम वर्सेस कबू हो रहा है यार, मुझे एस के साथ लड़ना है यार. आई वॉन्ट टू बैटल एस मैन, मजा आने वाला है यार. एस देख रहे हो गाइस, पहला मुकाबला हो रहा है यार नेसा के साथ. ठीक है नेसा, आ जाओ यार. वाओ गाइस, एस केचम इज यार. यार मैंने बोला था ना गाइस, अगर नसीब में एस लिखा है तो देखते हैं गाइस. एस तो शायद से यार मूव ऑन करेगा मैन, देखते हैं यार. कबू भी स्ट्रॉन्ग है यार. गेंगार इज यार यार. ओके, मैं भेज रहा हूँ गाइस लूनाला को. गेंगार यार बहुत ही गलत चॉइस है यार. ठीक है, बहुत ही गलत चॉइस है. 74 लेवल का है. नाइट डेज यूज़ करेंगे इसके ऊपर. एंड ये ना एक ही बार में उड़ेगा शायद से. आई थिंक सो. आ ये मुझे लगा था गाइस, मुझे जल्दी से गाइस इस बैटल को समाप्त करना पड़ेगा. एंड समाप्त करके गाइस मुझे यार देखना पड़ेगा. एंड गाइस मेरा डियाल्गा का कलर काला क्यों हो गया मैन? कीप करेंट पोकेमॉन करते हैं. पता नहीं गाइस मेरा डियाल्गा का कलर वहाँ पे काला दिखाई दे रहा है. ऑक्टिलेरी, ये फिर से गाइस एक डार्क वाटर टाइप पोकेमॉन है यार. एंड मून ब्लास्ट मार के देखते हैं इसके ऊपर, देखते हैं मून ब्लास्ट से कितना डैमेज दे पाएंगे. ठीक है, सिर्फ इफेक्टिव ही बताया जा रहा है. ओह येलो बार में आ गया. ठीक है, कॉन्वर्जन यूज कर रहा है. ओके, व्हाट इज ही डूइंग, क्या कर रहा है? ओए भाई, ये अपना टाइप चेंज कर सकता है क्या? गाइज ये तो अपना टाइप ही चेंज कर सकता है. चलो गाइस मैं ड्रीम ईटर, पर ड्रीम ईटर अभी लगेगा नहीं यार. सोए हुए पोकेमॉन के ऊपर ही गाइज ड्रीम ईटर लगता है. व्हाट इज ही डूइंग, ये वेनिस हो चुका है. अच्छा, ये मेरे साथ वेनिस गेम खेलना चाहता है. अरे गाइज मैंने गलती से नाइट डेज यूज कर दिया यार. शेड, मेरे को फैंटम फोर्स यूज करना था यार. ये शेडो फोर्स यूज कर रहा है मेरे ऊपर. मेरे को लगेगा मैन ये सुपर इफेक्टिव हमला है यार. मेरे को लगेगा, काफी खतरनाक लगा. चलो गाइस मैं भी नाइट डेज मार करके इसको उड़ा देता हूँ. चलो ऑक्टेलरी, तूने बहुत बढ़िया बैटल करा, बट यार लूनाला इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन यू. ठीक है, अब देखते हैं इनका तीसरा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है. गाइस मेरे पास शैडो डियाल्गा कैसे आ गया है यार? ये पता नहीं भाई, ये यार चेंज होते रहते हैं यार अपडेट्स में. एक्सट्रीम शील्ड का कोई न्यू अपडेट आ गया है शायद से यार. ओ इसको यार फैंटम फोर्स मार करके देखते हैं. मैंने यार पोकेमॉन स्विच करना रह गया यार, मतलब भूल ही चुका. अब मुझे यार पोकेमॉन भी चेंज करना पड़ेगा इसके बाद यार. बात में मैं लूनाला के साथ ही तब से बैटल किए जा रहा हूँ यार. एंड लूनाला भी गाइस आराम से हरा रहा है. ठीक है, एंड रैपिडर को शायद से यार ऐसे फटका नहीं दे पाएंगे. वी क्रिएट, व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस. अरे बाप रे गाइस, रैपिडर यार काफ़ी खतरनाक पोकेमॉन है ब्रो.
आई थिंक गाइज रायपेर भी एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ही है. हाँ गाइज रायपेर भी एक सूडो लेजेंडरी है यार. इसका स्टैट्स काफ़ी खतरनाक है यार. ख़त्म यार. बट मेरा लूनाला कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है. मेरे को लगा था रायपेर इस बार लूनाला को हरा देगा बट नो. नॉइवर्न. चलो गाइज अब चेंज करेंगे एंड देन गाइज मुझे डियाल्गा को भेजना है मैन. अब देखते हैं गाइज ये डियाल्गा काला क्यों है मैन. क्या ये शेडो डियाल्गा बन चुका है गाइज. ये तो शेडो डियाल्गा बन चुका है गाइज. ओ मैन गाइज अब मजा आने वाला है गाइज. अब सीरियसली मजा आने वाला है यार. मुझे लगा नहीं था कि गाइज मेरा डियाल्गा चेंज हो करके एक शेडो डियाल्गा बन जाएगा यार. एंड गाइज अब तो मेरे पास रोर ऑफ टाइम है जो कि डियाल्गा का सब्सटीट्यूट यूज कर रहे हैं मैन. ये गलत चीज़ हो गया यार. रोर ऑफ टाइम अब सब्सटीट्यूट के ऊपर ही लगेगा यार. शेट शेट गाइज अब मैं क्या यूज़ करूँगा गाइज. हाइपर वॉइस ही यूज़ करते. चलो अब सब्सटीट्यूट के ऊपर तीन चार अटैक तो लगेंगे ही नहीं गाइज. आप लोग सोचो ही मत. ठीक है लगेगा नहीं लगेगा मैन. तीन चार अटैक तो लगेगा ना. मैं हाइपर वॉइस यूज करूँ नहीं लगेगा मैन. ओ नॉइवर्न को हाइपर वॉइस से कैसे फटका पड़ा. व्हाट. अच्छा ओ मे बी गाइज हाइपर वॉइस से फटका पड़ता है गाइज. हाइपर वॉइस से फटका पड़ता है यार. डियाल्गा यू आर वेरी ओपी मैन. मार मार हाइपर वॉइस यूज कर. ओके गया. अरे डियाल्गा ने यार सब्सटीट्यूट मतलब वो सब्सटीट्यूट में है गाइज नॉइवर्न. फिर भी गाइज हाइपर वॉइस से हरा दिया यार. अरे यार डियाल्गा सही में बहुत ज़्यादा ओपी है यार. नेसा इज ग्रैप लॉक कीप करेंट पोकेमॉन. अब तो डायरेक्ट रोर ऑफ टाइम मारेंगे मैम. डायरेक्ट रोर ऑफ टाइम आप लोग देखने वाले हो. चलो गाइज मजा आने वाला है. एंड नेसा का ये मेन पोकेमॉन है गाइज ग्रैप लॉक. रोर ऑफ टाइम कम ऑन. एंड्योर यूज कर रहा है. ओके बट ब्रदर योर टाइम इज ओवर बिकॉज आई एम गोना यूज रोर ऑफ टाइम. खत्म ब्रो. ओ अभी भी ये ओ इसके स्टर्डीनेस ने इसको बचा लिया यार. बोल्ट बीक यूज कर रहे हैं. मेरे नाम का अटैक. बाप रे मेरे नाम का भी अटैक है गाइस. हाँ गाइस मेरे नाम का दो चार अटैक है गाइस. हाँ एक तो गाइस बोल्ट स्ट्राइक ऐसे करके भी एक अटैक है. चलो ग्रैपलॉक को हरा दिया. अब इनके पास और कितने पोकेमॉन है यार गाइस. देखते हैं. ड्रेडनो ये इनका लास्ट पोकेमॉन होने वाला है. स्विच पोकेमॉन करेंगे. एंड हाँ उर्सीफो को भेजते हैं क्योंकि ये भी यार अभी डायनामिक्स कराएगी. एंड मैं भी करने वाला हूँ अपने उर्सीफो को जायगंटा मैक्स. ठीक है. एंड इनका ड्रेडनो शायद से जायगंटा मैक्स करती है यार. ओके यार उर्सीफो मेरा चैंपियन पोकेमॉन है यार. काफी ओपी पोकेमॉन है. बहुत ही कमाल का स्टैट्स है उर्सीफो के पास. एंड आप लोग देखिएगा कि ये कैसे मारेगा अभी ड्रेडनो को. ऑलराइट टाइम टू गीगा मैक्स उर्सीफो. एंड ये जो वाटर फाइटिंग वाला उर्सीफो है ये मेरा सबसे प्यारा उर्सीफो है. एक्चुअली गाइस मेरे पास दो उर्सीफोज हैं. ठीक है एक डार्क फाइटिंग भी है मेरे पास बट ये वाटर फाइटिंग कुछ ज़्यादा ही करीब है. एंड इसका आप लोग लिटरली एचपी बार देखो 808. ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग गाइज. उर्सीफो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार गाइज. एंड ड्रेडनो करेगा अभी जायगंडा मैक्स ही करेगा. यस मैंने बोला था ना जायगंडा मैक्स करेगा. इसकी देख पड़ो जायगंडा मैक्स कर लिया. आ जा ड्रेडनो. अब तेरे को मैं बताने वाला हूँ कि नेवर फाइट विद द लेजेंडरी फाइटिंग पोकेमॉन ऑफ गैलारियन. मैक्स न कर. क्या ओ ऑलमोस्ट जाते जाते रह गया यार. चलो बहुत बढ़िया डैमेज दिया लेकिन. मैक्स स्टील स्पाइक. ओके चलो खत्म कर देते हैं गेम को मैक्स क्विक यूज करके. ठीक है ऑलराइट खत्म. ड्रेडनो तो अभी डेफिनेटली खत्म होने वाला है गाइस. बाय बाय ड्रेडनो. इसी के साथ गाइस मैंने विजय प्राप्त कर लिया. अब मुझे बस ये देखना है कि एस केचम ने कब्बू को हराया कि नहीं यार. Done guys, done and dusted. You defeated team leader Nessa. Okay guys, mazedar. Okay, इसको skip कर देते हैं यार. ये सब नहीं पढ़ना है.
ओह शिट गाइस, ये तो गलत ही चीज़ हो गया यार, ये तो गलत ही चीज़ हो गया यार। गाइस जैसे कि देख पा रहे हो, कबू ने एस कैचम को हरा दिया। गाइस मैं इस मुकाबले को फिर से रिस्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एस कैचम के साथ ही फाइट करना है यार। यार मैंने दूसरे जिम लीडर के साथ बहुत बैटल कर लिया, बट मुझे यार एस के साथ या फिर सिंथिया के साथ या किसी के साथ तो पंगा करना है मैन। देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। गाइस आज मेरे किस्मत में एस कैचम तो नहीं लिखा है, बट गाइस आज मेरे किस्मत में लिखा है चैंपियन सिंथा। सिनोरिजन की चैंपियन थी ना सिंथिया। चलो गाइस देखते हैं, सिंथिया के पास तो डेफिनेटली गाइस गार्ड चॉम भी होगा। चलो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू फाइट हर यार। ये देख रहे हो, पॉप रे गाइस यार, सिंथिया इज हियर। वन लुक एट यू टेल्स मी मेनी थिंग्स अबाउट यू। टुगेदर यू एंड योर पोकेमन ओवरकम ऑल द चैलेंजेस यू फेस, हाउएवर डिफिकल्ट। ओके तो गाइस सिंथिया के पोकेमानों को देखने का मेरा काफ़ी इच्छा है। मैं भी सिंथिया को अपने पोकेमान को दिखाना चाहूँगा कि मैं भी एक गला रीजन का चैंपियन हूँ यार। स्प्रिटॉम, ओके गाइस देख रहे हो स्प्रिटॉम, ये तो इनके ही पोकेमान है गाइस। इनके पास एक्चुअली में स्प्रिटॉम है गाइस। ऑल राइट गाइस देखते हैं कितने लेवल का होगा ये स्प्रिटॉम। 100 लेवल का मैन। सिंथिया के पास सिर्फ 5 ही पोकेमान है क्या? चलो यार स्प्रिटॉम के ऊपर यार मून ब्लास्ट काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा, एंड ये सकर पंच भी मेरे ऊपर ज़बरदस्त लगेगा। जैसे कि देख पा रहे हो यार, लूनाला का हेल्थ 32 में लेकर के आगे हैं यार। चलो गाइस मैं मून ब्लास्ट मारता हूँ इसके ऊपर। ओके अरे गाइस इसको तो कुछ भी नहीं हुआ यार, ये स्प्रिटॉम तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। और राइट गाइस मैं फैंटम फोर्स यूज़ करना चाहूँगा, बट नहीं यार, लूनाला को स्प्रिटॉम ने हरा दिया गाइस। जैसे कि देख पा रहे हो यार, चैंपियन सिंथिया इज़ ओपी यार, देख रहे हो ना गाइस। ऑल राइट गाइस, तो चैंपियन सिंथिया के स्पीटॉम के साथ अगर अभी कोई लड़ सकता है तो मेरा अभी चैंपियन पोकेमॉन निकालना पड़ेगा उर्सीफू, ठीक है। ये कर लेगा ब्रो, ये इसके बहुत सारे पोकेमॉन को उड़ाएगा। चलो गाइस मैं सर्जिंग स्ट्राइक मारना चाहूँगा, कमान उर्सीफू सर्जिंग स्ट्राइक मार इसके ऊपर। यस ये गया, जे बात गाइस, या एक ओके क्रिटिकल हिट, ये दूसरा और तीसरा शॉट, एंड इसी के साथ गाइस स्प्रिटॉम हो गया है खेल से बाहर। अब देखते हैं गाइस सिंथिया के पास दूसरा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। गाइस आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्या गाइस आप लोग एक्साइटेड फील कर रहे हो? ओके रोज रेड, अच्छा ठीक है जी, तो मैं डेफिनेटली रोज रेड के साथ भी पंगा लेना चाहूंगा, क्योंकि गाइस मैं अगर सर्जिंग स्ट्राइक रोज रेड के ऊपर मारूंगा ना ब्रो, शी विल नॉट सर्वाइव यार, शी विल नॉट। ओ यार मैं गलत बोल दिया यार, ग्रास टाइप और सुपर इफेक्टिव अगेंस्ट वाटर टाइप। आप गाइज मैं काम कर रहा हूँ, डी की यूज़ करना। चलो ऑल राइट, ये लीप स्टॉर्म यूज़ कर रहा है ब्रो, मैं तो एक फाइटिंग वाटर हूँ, मेरे ऊपर फटका पड़ेगा। ओह शिट, ये मैंने क्या देख लिया यार, उर्सीफू जैसे इतने दिग्गज पोकेमॉन को एक ही शॉट में अगर कोई हरा सकता है ना, वो है सिंथिया। क्या गाइज यार, मैं यार हार जाऊँगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है यार। आप गाइज अगर रोज रेड को कोई हराने वाला यहाँ पे पोकेमॉन पैदा हुआ है वो है गाइज ब्लेजिकन। यस गाइज ब्लेजिकन, बिकॉज ही इज अ फायर पोकेमॉन, एंड गाइज अब मजा आने वाला है। चलो गाइज ब्लेज किक मारते हैं, रोज रेड का स्लज बॉम्ब यूज कर रहे हैं। नो शेट, ये नहीं हो सकता गाइज, ये नहीं हो सकता, सीरियसली बता रहे हैं गाइज, ये नहीं हो सकता यार। गाइज अब मैं क्या करूँ? अब गाइस मेरे पास और एक चैंपियन पोकेमॉन है, डोंट वरी गाइस, मेरे पास ग्राउडॉन है, ठीक है, मेरे पास ग्राउडॉन है, एंड मुझे ग्राउडॉन के ऊपर फुल्ली भरोसा है मैन। ग्राउडॉन तो बहुत बढ़िया फाइट कर लेगा यार, क्योंकि ये ओरिजिनल चैंपियन पोकेमॉन है मेरा। यस चलो गाइस लावा प्लूम यूज़ करते, कमन ग्राउडॉन नहीं, लीव स्टॉर्म काम नहीं आएगा मेरे ऊपर। अरे ये कैसे हो रहा है गाइस ब्रो, मुझे कुछ भी भरोसा नहीं हो रहा यार। मैं एक्चुअली में आश्चर्यचकित हो चुका हूँ गाइस, मेरा डियाल्गा फिर से नॉर्मल रूप में आ गया यार। पता नहीं गाइस मेरे डियाल्गा को क्या क्या होता रहता है यार, बट ये क्या हो रहा है गाइस, ये रोज रेड इतना पावरफुल है क्या? चलो गाइस रोर ऑफ टाइम यूज़ करना, नो स्लीप पाउडर। अबे इसको तो सुला ही दिया यार, अब क्या ही करेगा यार, इतना पावरफुल है रोज रेड क्या? एक्चुअली मैं सीरियसली ना, मुझे अपने चैंपियन टीम को ही लेकर के आना चाहिए था, मैंने बहुत गलत करा। रेजिलेकी को स्विच करना पड़ेगा मैन। यार मैंने सिर्फ सिंथिया के एक ही पोकेमॉन को हरा पाया यार, एंड इसने तो मेरे सारे के सारे पोकेमॉन को उड़ा दिया यार। अब ये रेजिलेकी क्या ही करेगा यार, कुछ नहीं कर पाएगा मैन। लिपस्टॉर्म यूज कर, क्या लगता है ये बचेगा? नॉट ए चांस मैन। गाइज बोल भाई हो गया है खेल से बाहर, आज मेरा किस्मत बहुत ही ख़राब है गाइस, मेरा किस्मत बहुत ही ख़राब है यार।
डीअल्का को भेज रहा हूँ, बट ये तो सोया हुआ है। मैं अभी रेस्टोर यूज कर सकता हूँ, बट नो गाइस, ये नाइंसाफी होगा यार। शिट मैन, क्या यूज करूँ गाइस? फुल रेस्टोर, चलो गाइस इसके ऊपर फुल रेस्टोर यूज करते हैं। अब देखते हैं गाइस क्या होता है, ठीक है? लिप स्टॉर्म यूज कर रहे हैं, नहीं बचेगा शायद से, ये भी बच गया। डीअल्का ने करके दिखाया, नॉट वेरी इफेक्टिव। डीअल्का कैन यू डू इट ब्रो? गाइस अगर डीअल्का ने मेरे को जीत हासिल करवा दिया ना यहाँ पे, मैं यार बहुत पेटल ब्लिजर्ड ब्रो। शेट, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक। डीअल्का इज वेरी स्ट्रॉन्ग यार, रोज रेड के हर एक अटैक को ये सर्वाइव कर रहा है, हर एक अटैक को सर्वाइव कर रहा है, बट रोज रेड सर्वाइव नहीं कर पाएगा यार। ओके अब यार डीअल्का को रिसर्च करना पड़ेगा। मैन पेटल ब्लिजर्ड फिर से यूज कर रहा है, चलो यूज करो, ठीक है गाइस। डीअल्का मस्ट रिचार्ज, चलो मैं एंशियंट पावर यूज करूंगा रोज रेड के ऊपर, ठीक है। पेटल ब्लिजर्ड फिर से गाइस, चांस ही नहीं पैदा हो रहा है यार। बट यार डीअल्का ने रोज रेड को तो एटलीस्ट हरा दिया यार, नहीं हरा पाया अभी तक, नहीं हरा पा रहा है, ठीक है। चलो हाइपर वॉइस यूज करते क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है। मैन डीअल्का ने अवॉइड कर दिया अटैक को, बहुत बढ़िया यार। डीअल्का सीरियसली बहुत ओपी है यार, डीअल्का सीरियसली बहुत ज्यादा ओपी है यार। ओ मैन गाइस, अब देखते हैं इनके तीसरा पोकेमॉन गैस्ट्रोडॉन। अरे ये भी 100 लेवल का ही है गैस्ट्रोडॉन, मेरे को ये पोकेमॉन अच्छा नहीं लगता यार। मुझे डायनामिक्स कर लेना चाहिए गाइस। अब यही एक लौटा चीज है जो मुझे यार बचा सकता है, ठीक है। मुझे सिंथिया के साथ बैटल ऐसा ही करना पड़ेगा। आई नीड टू डायनामिक्स, क्योंकि मेरे पास ये एबिलिटी है तो मैं यूज़ क्यों नहीं करूँगा, है ना। तो गाइस मैंने डीअल्का को डायनामिक्स करा लिया है। अब गाइस देखते हैं डीअल्का का स्टैट्स वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। 558 मैन, डीअल्का कमन यू कैन डू इट। मैक्स रूम यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर, देखते हैं गैस्ट्रोडॉन को भी। काफ़ी फटका पड़ रहा है गाइस, काफ़ी फटका पड़ रहा है यार। यस डीअल्का तू कर सकता है, मुझे डीअल्का तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है यार। अर्थक्वेक, शिट, ओके। बट डीअल्का अभी भी टिका हुआ है यार, ये 100 लेवल के पोकेमॉन को भेज रहे हैं, ठीक है। मेरा डीअल्का सिर्फ 86 लेवल का है, बट स्टिल ही इज डूइंग ए वेरी गुड जॉब गाइस। ये तो मेरे चैंपियन पोकेमॉन के जैसे ही फाइट कर रहा है यार। इनफैक्ट उर्सीफू भी सर्वाइव नहीं कर पाया गाइस, उर्सीफू भी सर्वाइव नहीं कर पाया, बट डीअल्का कर रहा है। डीअल्का इज डूइंग हिज जॉब, बहुत बढ़िया डीअल्का, बहुत बढ़िया। सीरियसली आई लव यू डीअल्का यार। डीअल्का ओपी लिख देना, ठीक है। आज मैं जीतूंगा कि हारूंगा आई डोंट नो, बट आप लोग डीअल्का ओपी लिख देना यार। इनफैक्ट ग्राउडॉन भी नहीं बचा यार, ग्राउडॉन भी नहीं बचा यार गाइस। सोचो गाइस, गया ये तो गया, गैस्ट्रोडॉन को उड़ा दिया। अब इनका यार फोर्थ पोकेमॉन हमें देखने को मिलेगा, और ये क्यों हो रहा है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ डीअल्का यार। ओ मैन, माइलोटिक, चलो जी माइलोटिक इज हियर। अब अपना डीअल्का छोटा हो जाएगा ना, हाँ छोटा हो गया। अब ये बचेगा नहीं, मैं फुल रेस्टोर अभी यूज कर सकता हूँ डीअल्का के ऊपर। करूँ क्या, करूँ क्या? नाइन सा भी हो जाएगा ना, क्योंकि इन्होंने तो यूज नहीं किया है। मैं यार चीटिंग नहीं करना चाहूँगा, मैं रोर ऑफ टाइम फिर से यूज करना चाहूँगा माइलोटिक के ऊपर। आइस बीम नहीं, खत्म। डीअल्का इज डिफीटेड। डीअल्का, ओ डीअल्का अभी भी टिका हुआ है गाइस, डीअल्का अभी भी टिका हुआ है। कमन रोर ऑफ टाइम, कमन कमन डीअल्का, डीअल्का 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 डीअल्का। ओके चलो जी यार गाइस, मैं आज तो हार चुका हूँ, बट आई विल बी बैक टुमोरो। मैं फिर से सिंथिया के साथ पंगा करूँगा, मुझे सिंथिया के साथ ही पंगा करना है, बट दिस टाइम चीज़ें अलग होगा। मैंने शायद से सिंथिया ने मेरे से चैंपियन टाइटल ले लिया है अभी गाइस। मैं गला रीजन का चैंपियन अब तक हूँ नहीं, अभी हूँ नहीं, ठीक है। बट नेक्स्ट एपिसोड में मैं चैंपियन बन करके वापस आऊँगा गाइस। आई विल बी बैक एंड आई विल डिफीट सिंथिया गाइस। देख रहे हो गाइस चैंपियन सिंथिया का पावर। चलो गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लव यू गाइस।